दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग और आज हम एक बड़ी ही मतलब एटलीस्ट मेरे लिए और हमारी टीम के लिए यहाँ पे एक बहुत ही एक्साइटिंग काम करने जा रहे हैं। यहाँ पे डेफ जंक्शन वी एक्चुअली बिलीव फूड इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मेडिसिन देयर इज। और जब भी हम किसी डिजीज को ठीक करने की बात करते हैं, रीजन की बहुत सारे डिजीजेज आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं, कंट्रोल नहीं रहते, क्योंकि सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट होता है वो होता है आपका डाइट और आपका जो लाइफ स्टाइल है वो ऑप्टिमाइज नहीं होता। मैं कई बार जब किसी से काम करता हूँ वो कहते हैं आप ठीक कैसे करोगे, मैं डाइट से कहते डाइट तो ठीक है लेकिन ठीक कैसे करोगे। तो मैं एक चीज एक मिथ डिस्पेल कर देना चाहता हूँ कि जब बोलते हैं हेल्दी डाइट लीजिए तो हेल्दी डाइट फॉर समबडी इज कम्प्लीटली हेल्दी इज डिफरेंट और हेल्दी डाइट फॉर समबडी हु इज डिजीज्ड इज डिफरेंट। तो इसके लिए आज हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम है दिल का मामला और इसमें हम बेसिकली हार्ट और हार्ट के रिलेटेड इश्यूज सब कवर करेंगे ताकि हम अपने डॉक्टर से बेटर डिस्कस कर सके कि हमें ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, हमें खुद भी समझ आए। और डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, दिस इज नॉट अ मेडिसिन एडवाइस, दिस इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है या फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, हम हार्ट डिजीज का शुरू करेंगे, आज हम कोलेस्ट्रॉल से शुरू करेंगे। और आपने बहुत सुना होगा कि देर इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल, देर इज बैड कोलेस्ट्रॉल। वेल, देर इज नन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इज नथिंग कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, देर इज नथिंग कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। और आई विल एक्सप्लेन हाउ। अब क्या होता है कि जैसे जो कोलेस्ट्रॉल है, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का फैट, ठीक है, और हमारे बॉडी के काफी सारे सेल्स कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं लेकिन जितना उनको कोलेस्ट्रॉल चाहिए पूरा बना नहीं पाते। तो जो लीवर होता है वो नेट एक्सपोर्टर होता है कोलेस्ट्रॉल का। जी हाँ, जो हमारी बॉडी है ओवरऑल हर दिन का 1000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल बनाती है। तो जो आपके कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल आता है उसमें से 80% जो कोलेस्ट्रॉल है वो एंडोजिनस प्रोडक्शन है, मतलब बॉडी की खुद है। मैंने एक वीडियो पहले में कवर किया था कि ये कुछ जेनेटिक्स होते हैं हमारे, जिसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में होते हैं, वो डिटरमाइन करता है कि कोलेस्ट्रॉल किस कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन वो फ्यूचर वीडियोस के लिए, अभी के लिए हम कोलेस्ट्रॉल, गुड बैड कोलेस्ट्रॉल इसी पर डिस्कशन करेंगे ताकि हम बहुत छोटी रख सकें इस वीडियो को और आप आराम से कंज्यूम कर सके इस पूरे कंटेंट को। तो जैसे अब लीवर नेट एक्सपोर्टर है कोलेस्ट्रॉल का, और अब सेल्स को देखो, सेल्स बेसिकली होते हैं 3-डाइमेंशनल स्ट्रक्चर है। और सेल्स में जो कम्युनिकेशन होता है, वो जो कम्युनिकेशन होता है वो एक बाहर एक मेम्ब्रेन से होता है। उस मेम्ब्रेन में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अब कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए, तो जब लीवर एक नेट एक्सपोर्टर कोलेस्ट्रॉल का है तो वो बाकी सेल्स तक कोलेस्ट्रॉल कैसे पहुंचाए? वो पहुंचाता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से, जो कि हमारा ब्लड होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम अपनी केमिस्ट्री क्लास को थोड़ा याद रहे, तो जो फैट है ये बेसिकली हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो पानी में ट्रैवल कैसे कराएंगे, क्योंकि जो ब्लड है काफी हद तक पानी है, प्लाज्मा है या लिक्विड है। तब बात आती है कि भाई हमें इस जो हमारा मॉलिक्यूल है इसको गाड़ी में डालना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे पूरी बॉडी में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, अगर वो अलग अलग रोड चल रही हैं, तो हमें गाड़ियां दौड़ानी पड़ेंगी यहाँ पे। तो जैसे अगर हम ब्लड शुगर की बात करें या बाकी चीजों की बात करें, वो आराम से वाटर सोल्यूबल है तो आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल की बात आती है, जो गाड़ियां जो होती है उसे बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। अब लाइपोप्रोटीन का मतलब समझोगे, लाइपो इज फैट और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, ठीक है। तो जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है वो बाहर वाला पार्ट आ जाता है, वो जो लाइपो वाला पार्ट आता है अंदर आ जाता है। अब दो फैमिलीज हैं जो मेन होती हैं इसकी, वो होती है एपीओ ए और एपीओ बी फैमिली, ठीक है। जो एपीओ बी फैमिली है उसमें बेसिकली एलडीएल, वीएलडीएल, आईडीएल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं कोट एंड कोट, और जो एपीओ ए फैमिली होती है उसमें एचडीएल होता है। तो आइए पहले हम एलडीएल की बात करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप लैब मार्कर्स देखोगे उसमें एलडीएल नहीं होता, क्योंकि एलडीएल हम मेजर नहीं करते हैं, हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मेजर करते हैं। तो बेसिकली जो पूरा लाइपोप्रोटीन का नाम है, जो पूरी गाड़ी है उसका नाम एलडीएल है। एलडीएल के बाहर एक टाइप का टैग लगा हुआ है, वो है एपीओ बी, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन सिंपल है। मान के चलिए एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जम्मू में एक बड़ी फेमस गाड़ी, मतलब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है बीटी गुप्ता, ठीक है। तो क्या किया, हमारी जो गाड़ी है वो बीटी गुप्ता है, तो वो एपीओ बी हो गया। जो गाड़ी है वो पूरा लाइपोप्रोटीन हो गया, जैसे एलडीएल टाइप चीज है। अब इसके अंदर जो है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं। तो समझ गए कि सबसे बाहर जो टैग है वो गाड़ी का नाम है, कि गाड़ी का नाम क्या, वो एपीओ बी हो गया। उसके बाद गाड़ी है जिसके अंदर हम सारे पैसेंजर्स बैठेंगे, उन पैसेंजर्स में से एक चीज हो गया एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब इकट्ठे ही आते हैं। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं एलडीएल बीइंग अ बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले होती है पॉपुलेशन स्टडीज, जैसे चूहों वाली स्टडीज। तो उनमें हम ये देख चुके हैं कि जिनमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उनमें हार्ट इश्यूज ज्यादा होते हैं, लेकिन चूहों से हमें कुछ खास पता नहीं चलता। उसके बाद हम देखते हैं पॉपुलेशन स्टडीज, जैसे अगर आप देख सकते हो ये सामने यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थी 10 साल की, इसमें ये देखा गया था कि जिन लोगों का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो हार्ट डिजीजेस का रिस्क ज्यादा है।
ठीक है। और लेकिन इससे भी हमें कुछ क्लियर पता नहीं चलता, उसके हम RCTs देखते हैं, और अगर RCTs जो बेसिकली दुनिया भर की मेडिकल एसोसिएशन हैं उनके रिकमेंडेशन में आती हैं कि हायर LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो हायर COPD का रिस्क है। लेकिन अब एक और चीज है, जब हम मैंने जैसे रोड्स की बात की, वैसे हमारी आर्टरीज है, ठीक है, तो आर्टरीज में हमें ये नहीं पता चलता कि LDL कोलेस्ट्रॉल कितना जम रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि देखो LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेसिकली एक LDL लाइपोप्रोटीन में है, और उसको हम ट्रैक कैसे कर सकते हैं? ApoB से, ठीक है। तो अल्टीमेटली मोस्टली केसेस में ऐसा जरूर होता है कि जितने ज्यादा ApoB हैं उतने ज्यादा LDL कोलेस्ट्रॉल है, कि मतलब जितनी ज्यादा गाड़ियां हैं उतने ज्यादा पैसेंजर्स हैं, लेकिन काफी सारे केसेस में ये नहीं होता। तो इसके लिए जो ApoB है एक बड़ा ही अच्छा मार्कर है, अगर आपको डेफिनेट अपना हार्ट रिस्क का पता करना है। LDL कोलेस्ट्रॉल काफी हद तक है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना ApoB है, ठीक है। ये तुम्हारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट आता है, वो ये होता है कि HDL मतलब कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वैसे LDL होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दूसरा हो गया हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इनमें सिर्फ डेंसिटी का फर्क होता है, बाकी कोलेस्ट्रॉल में बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसके जो पार्टिकल साइज है उसके पार्टिकल साइज उतना डिफरेंस है, बाकी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब HDL को हम बहुत चीज़ें तो नहीं जान पाए अभी बहुत सारी मिस्ट्री HDL में, लेकिन कुछ ट्रायल्स आपके सामने पेश करता हूं जिसमें यह देखा गया था, अगर HDL को बहुत बढ़ा दिया जाए विद सम ड्रग्स और विद सप्लीमेंट्स, मेगाडोजिंग सप्लीमेंट्स से, ऐसा नहीं था कि CVD का रिस्क जो था वो कम हो गया, बिल्कुल नहीं। तो रादर ये चीज देखी गई थी, अगर HDL भी रेंज के बाहर जाता है तो वो भी CVD का रिस्क जो है बढ़ा देता है। तो मॉरल द स्टोरी बेसिकली क्या है, HDL इज नॉट अ गुड कोलेस्ट्रॉल और LDL इज नॉट अ बैड कोलेस्ट्रॉल एज सच। अल्टीमेटली अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत कम हो जाता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल मेजरली इन दोनों से बनता है, अगर वो बहुत कम हो जाता है तो हमारी मोर्टेलिटी का रिस्क बढ़ जाता है। तो इन अ वे जैसे हर चीज, जैसे ब्लड शुगर है, राइट, ब्लड शुगर हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स फास्टिंग की 100 से कम अच्छी मानी जाती है, अगर 70 से कम हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वी वांट एवरी वेरिएबल टू बी इन द रेंज। तो इसलिए जो लोग ये आर्गुमेंट करते हैं कि हमारा LDL काफी हाई है लेकिन HDL भी बहुत हाई है, इससे हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का या हार्ट अटैक का रिस्क हमारा कम है, द आंसर इज नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक एवरीथिंग एल्स वी वांट एवरीथिंग टू बी इन रेंज, और अगर आपको थोड़ा बेटर अपना कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का जो बर्डन है वो देखना है तो ApoB जो है इट्स अ मच बेटर मार्कर टू अंडरस्टैंड इट। अब ApoB क्या है, बाकी चीजें क्या है, ये सारी की सारी हम आगे जो आगे वाले एपिसोड्स आने वाले होंगे उसमें डिस्कस करेंगे, और विल होप कि जब ये सीरीज पूरी खत्म हो तो हार्ट इश्यूज को लेके हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सब चीज हम डायटरी मॉडल में नहीं डालेंगे तब तक मतलब नहीं बनता हमारे चैनल का। तो पहले हम पूरा समझेंगे सारा सारा एस्पेक्ट, हम ड्रग्स को भी समझेंगे, सारे मैकेनिज्म समझेंगे, फिर हम डाइट पे भी आएंगे। तो आई होप दिस इज वर्थ योर टाइम, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन।